जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव है ये अफ्रीकन एलिफेंट, लेकिन ये साइज में एक ब्लू वेल के पूंछ तक का भी नहीं है। इन फैक्ट से ब्लू वेल ही क्यों, जैसे ये जायंट जेलीफिश जो 10 हाथियों के बराबर है, या ये ह्यूज सा स्क्विड जो 4 हाथियों जितना बड़ा है। सो आखिर हो क्या रहा है गहरे समुन्द्र के जीवों के साथ? वेल, इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, डीप सी में वहां के प्रेशर की वजह से डिसॉल्वड ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और इसीलिए इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के लिए वहां के जीवों ने बड़े गिल्स इजाद कर ली, और इन बड़े गिल्स को समा सके इसीलिए बड़े बॉडी स्ट्रक्चर्स। दूसरा, डीप सी में खाने की बहुत शॉर्टेज होती है और तापमान बहुत ठंडा होता है, और इसीलिए क्लाइबर्स लॉ के हिसाब से अपने मेटाबॉलिज्म यानी कि एनर्जी एक्सपेंडिचर को स्लो रखने के लिए इनका साइज बढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, डीप सी क्रीचर्स के अंदर 2 एक्स्ट्रा ग्रोथ जीन्स होते हैं। ये 2 ग्रोथ जीन सिर्फ डीप सी में ही एक्टिवेट होते हैं जो नॉर्मल फिशेस के एक्टिवेट नहीं हुए होते, और इसीलिए फिर ये ट्रेट्स इनके आने वाले जनरेशन में भी पास ऑन होते हैं। फॉलो फॉर मोर सच डीप डाइविंग कॉन्टेंट।